नमस्कार साथियों, मैं आरएस खटकवाल आपके लिए उपस्थित हूँ ईवीएस के एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है पर्यावरण, संस्कृति, परंपराएं और प्रथाएं, अर्थात एनवायरमेंट, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ इस टॉपिक का जो मेन मोटो है वो एक तो यह है कि हम मनुष्य और पर्यावरण के बीच की जो संबंध है उनको वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर समझेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इस बात का परीक्षण करेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति और उसके संसाधनों की देखभाल की परंपरा मनुष्य समुदायों को विरासत में मिली है और इन संसाधनों के संरक्षण में रीति रिवाजों की क्या भूमिका है। तीसरी बात यह समझना कि पर्यावरण और संस्कृति के बीच आपसी सहसंबंध क्या है, कि इनके बीच जो इंटर रिलेशन है उसकी क्या भूमिका है। और चौथी बात इस बात पर विचार किया जाएगा कि जो प्राचीन समय में यानी अतीत में जो वर्षा जल संग्रह की तकनीक होती थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स थी, क्या वर्तमान समय में वे प्रासंगिक हैं, दे आर यूजेबल इन द करेंट सिनेरियो, इस बात को समझेंगे। तो अब हम अगर यहाँ पर पर्यावरण को संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं से जोड़कर देखें, तो सबसे पहले हमारे जो लोकप्रिय संस्कृतियाँ हैं, यानी कि जो जन संस्कृति रही है, उनसे जोड़कर हमें पर्यावरण को समझना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि जो हमारे यहाँ पे प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, जो हमारे इस देश का अतीत रहा है, तो अतीत में जो हमारे पूर्वज थे, जो लोग थे, वे पर्यावरण के प्रति किस प्रकार का नजरिया रखती थी, ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और यही उस संस्कृति का हिस्सा होगा। तो उनकी कौन कौन सी ट्रेडिशंस या परंपराएं थी जो पर्यावरण को बचाती थी, और उनकी कौन कौन सी प्रथाएं या प्रैक्टिसेस थी जो पर्यावरण के लिए संरक्षण का काम करती थी। तो आइए इसको शुरू करें। तो सबसे पहले मनुष्य ने जब भी अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू किया, तभी से उसका जो पहला ध्यान था या उसका जो पहला अटेंशन था, इट वॉज अट्रैक्टेड बाय द नेचुरल एलिमेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब मनुष्य ने अपना होश संभाला एंड ही वॉज जस्ट रनिंग बिहाइंड द वाइल्ड एनिमल्स फॉर हंटिंग, तो उसने उन जानवरों के चित्रों को गुफा की दीवारों में बनाना स्टार्ट किया।
जैसा कि हम भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव की चित्रकारी को देखते हैं, तो उसमें जंगली पशुओं को उसको चेजिंग करते हुए दिखाया गया, जंगली पशुओं के पीछे भागता हुआ दिखाया गया। और ये ऐसा नहीं था कि केवल इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो रहा था। आप फ्रांस में चले जाइए, आप जर्मनी में जाइए, आप ब्रिटेन में जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आदि मानव की जो सभ्यता रही वहां आपको ये दिखाई देगा, ये पेंटिंग्स आपको हर जगह मिलेंगी। एक उसके बाद धीरे धीरे कॉग्निशन की जो हायर स्टेजेस थी उनमें वो पहुंचा, तो उसने प्रकृति के प्रति विशेष प्रकार का सम्मान दिखाना शुरू कर दिया। हम अगर अपने देश की बात करें तो यहां पर सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी जो लोग थे उन लोगों ने प्राकृतिक तत्वों के प्रति या प्रकृति के प्रति एक विशेष प्रकार की आस्था का भाव प्रकट किया। एक विद्वान थे ब्रिटेन के जिनका नाम था अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके को मोहनजोदाड़ो से एक सील मिली, ने मोहर मिली, उस पर एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके दोनों ओर चार पशु हैं। राइट साइड में एलिफेंट एंड टाइगर और लेफ्ट में एक राइनोसोर एंड बुफेलो। उसकी जो पुलपिट है यानी कि उसकी जो गद्दी है उसके फ्रंट में दो हिरन दौड़ते हुए दिखाए गए। तो मैके महोदय ने कहा कि इट इज अ साइन ऑफ प्रोटो शिवा, ये आद्य शिव का प्रतीक है और ये संभवतः पशुपतिनाथ थी, ये इन लोगों का पशुओं का देवता है। इट मीन्स देवर द वर्शिपर ऑफ एनिमल्स, वे लोग पशुओं की पूजा करते थे, वे पशुओं को पूज्य मानते थे। जितनी भी हड़प्पन सील्स हमें दिखाई दी हैं एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिपिक्टेड विद बुल और द ऑक्स, उन सब पर हमें जो है एक बैल बना हुआ दिखाई दिया। उनके मोहरों पर कई बार हमें जो है यूनिकॉर्न बना हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि वे लोग प्रकृति के प्रति आस्थावान थे, पहली बात। दूसरी बात कि प्राकृतिक तत्वों से उन्हें काफी लगाव था और वे उसके सिंबॉलिकल अर्थ को समझते थे। जैसे हड़प्पा से एक मोहर मिली है, उस मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है। तो स्त्री जो है वो फर्टिलिटी का सिंबल है, वो धरती माता का सिंबल है और वहां से पौधा निकल रहा है जो कि जीवन का सिंबल है। तो उनका मानना ये है कि धरती और जो प्लांट हैं दे आर द बेसिक फॉर द सर्वाइवल और द लाइफ, कि जीवन का जो आधार है वो पृथ्वी और पौधे हैं। तो इस भावना का पता हमें हड़प्पाई लोगों के उन मोहरों से चलता है और बहुत सारे जो हड़प्पन पॉट्स हमें मिले हैं उन पर सांप के चित्र बने हुए हैं, उन पर प्यासे कौवे की कहानी को चित्रांकित किया गया है, चालाक लोमड़ी की कहानी को दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति उनके लगाव को, उनकी आस्था को प्रदर्शित करता है। अगर हम उसके बाद के पीरियड्स में आ जाएं, जैसे वैदिक काल में,
तो ऋग्वेद के अरण्यानी सूक्त में जंगल को देवी बताया गया है और अरण्यानी जंगल की ही देवी है। पद्म पुराण में एक पेड़ को 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। फिर जो वैदिक काल है उसमें तो जितने भी देवी देवता हैं वे कहीं ना कहीं प्रकृति के दैवीकरण के आधार पर बनाए गए हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का जो देवता इंद्र है तो वह वर्षात या वर्षा और झंझावात का देवता है, यानी तूफान का देवता है। वरुण जो है जल का देवता है और ऋत का देवता है, यानी ऋतुओं का। इसी तरह से अग्नि को वे देवता मानते हैं जो कि मनुष्यों और दूसरे देवताओं के बीच मीडिएटर का काम करता है। इसी तरह से सोम जो है वो वनस्पति का देवता है जो कि स्वयं में एक पौधा है, और ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल इस सोम देवता को समर्पित है। इसी तरह से उपनिषदों के भीतर भी भोजन के स्रोत के रूप में पेड़ पौधों की चर्चा मिलती है, और आगे हम देखते हैं कि जो बुद्धकालीन ग्रंथ हैं उनमें भी प्रकृति के प्रति गहन और गहरी आस्था दिखाई देती है। ललित विस्तार नामक ग्रंथ में बुद्ध के जीवन को साल वृक्ष से जोड़ दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म साल वृक्षों से भरे हुए एक गार्डन में हुआ था, यानी उपवन में हुआ था, जो माता लुम्बिनी को समर्पित था, इसीलिए उसे लुम्बिनी वन कहा गया। और आप पढ़ते हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसी प्रकार से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पीपल वृक्ष के नीचे हुई और निरंजना नदी के किनारे हुई, दोनों ही प्राकृतिक एलिमेंट है। उसके बाद पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। इसी तरह से जैनों के भीतर परंपरा रही, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो जैनों में भी साल वृक्ष जो है एक पवित्र वृक्ष बन गया। और फिर जहां भी आगे चलकर जैन मंदिर बने या जैन गुरुओं के मंदिर बने तो उन मंदिरों के आसपास की जमीन पर बहुत बड़ी संख्या में साल वृक्ष रोपे जाने लगे, जिससे कि उन जंगलों के आसपास लघु उद्यान या वृहद उद्यान, यानी कि स्मॉल पार्क्स और द बिग पार्क्स जो हैं वो बनने लगे। इन्हें कहा जाता था जैन दादाबादी। तो जैन दादाबादी के अंतर्गत लघु उद्यान और वृहद उद्यानों को शामिल किया जाता था जो अक्सर जैन गुरुओं के मंदिरों के आसपास होते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने प्रकृति का संरक्षण किया। दूसरी ओर जैन धर्म ने तो अपना जो पंच महाव्रत थे उनमें अपरिग्रह को शामिल किया, और बौद्ध धर्म भी अपरिग्रह की बात करता है। तो अपरिग्रह का मतलब ये हुआ कि चीजों का संचय ना करना, जितने की तुम्हें आवश्यकता है उतना ही लो और उससे अधिक ना लो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद की प्रकृति और उपभोगवाद की प्रकृति पर रोक लगाता है, पाबंदी लगाता है। तो पर्यावरण के संबंध में तो ये, पर्यावरण के संदर्भ में तो यही पर्यावरण का हितैषी हुआ, पर्यावरण को संरक्षित करता है कि भाई प्रकृति से जितनी तुम्हें आवश्यकता है उतनी ही आपको चीजें लेनी चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधन बचे रह सके। तो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इन्होंने प्रकृति के संरक्षण की बात की। दोनों ही धर्म जीव हत्या को पाप मानते हैं, पशुओं की हत्या को का निषेध करते हैं।
तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण होता है। स्वयं महावीर स्वामी ने अचरांग सूत्र में, जैनों का एक ग्रंथ है अचरांग सूत्र, उसमें पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण मानव समाज पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के प्रति चेतावनी दी है। जैन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है जल, भूमि, धरती और अग्नि और वनस्पति, इन पांच तत्वों से मिलकर संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। और अगर इन पांचों में असंतुलन कायम हो जाता है, इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होता है, तो इससे जो है पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब हो जाता है। इससे अगर हम और आगे बढ़े तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कौटिल्य राजा को ये निर्देश देता है कि जहां पे राजा शिकार के लिए जाता है उन क्षेत्रों में पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान या उद्यान बनाए जाने चाहिए, इन्हें नेशनल पार्क्स बनाए जाने चाहिए। खास तौर पर कौटिल्य ने राजा को ये निर्देश दिया कि हाथियों के संरक्षण के लिए अभय वन, मतलब आजकल जिनको आप अभयारण्य कहते हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। यानी कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी हमें प्रमाण मिलता है। इसी तरह से कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो भी व्यक्ति बछड़ों, बैलों और दुधारू गाय का वध करेगा उसे 50 पण, पण उन दिनों चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसे 50 पण का जुर्माना भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। इसी तरह से चाणक्य की अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति फल फूल से युक्त पेड़ों की टहनियां काटेगा, छायादार वृक्षों की टहनियां काटेगा, उसे भी 50 पण का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस दौर में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों के भीतर जागरूकता रही होगी। और राजा अशोक के या सम्राट अशोक के धौली अभिलेख में सम्राट अशोक अपनी जनता से अपील करता है कि वे छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण करें, वे कुएं खुदवाएं और वर्षा के जल का संग्रहण करें। अशोक ने तो अपने दूसरे अभिलेख में कहा है कि मैंने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करवा दी है, और मैंने राजपथ पर छायादार और फलदार वृक्ष लगवा दिए हैं, प्रत्येक 2 कोस पर कुएं खुदवा दिए हैं, और मैंने आदेश दे दिया है कि लोग भी अपनी ओर से वृक्षारोपण करें। तो ये पर्यावरण के प्रति उन पुरानी सभ्यताओं के भीतर हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का की जागरूकता दिखाई दे रही है, राजाओं में और उस दौर के जो महापुरुष थे उनके भीतर। इससे अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया, और ये झील काठियावाड़ क्षेत्र में गुजरात के पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा, जो कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपॉइंटेड एक गवर्नर था, उसके द्वारा बनाई गई थी। फिर इस झील से जो है आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई, लोगों के लिए पोटेबल वाटर मुहैया करवाया गया, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई। और उसके बाद इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने रिपेयर करवाया। अशोक के बाद इसको एक शक राजा हुए रुद्रादमन, उन्होंने रिपेयर करवाया, और आगे चलकर गुप्त काल में इसी झील को स्कंद गुप्त के द्वारा रिपेयर करवाया गया। तो लगभग 12वीं शताब्दी तक कहते हैं कि यह झील चलती रही, और उसके बाद ये झील नष्ट हो गई। तो ये जल संरक्षण तकनीकी का भी हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से नंद वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था महापद्मनंद। तो महापद्मनंद के संबंध में भी कहा जाता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया था। इस बात का उल्लेख
राजा खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है, जो कि कलिंग का राजा था। और फिर आगे अगर गुप्त काल से आगे की ओर बढ़े तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने भी हर्षचरित नामक ग्रंथ में तुला यंत्र अर्घट्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि भूमिगत जल को बाहर निकालने की एक तकनीक को दिखाते हैं। इसी तरह से उसमें इस ग्रंथ में हर्षचरित में पहली बार कृत्रिम बर्फ बनाए जाने का भी उल्लेख हमें मिलता है।